एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज की इस क्लास में जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इंटरजेक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड। इसका मतलब यह है कि ये वो वर्ड या फ्रेज होता है जो कि यूज करते हैं हम अपनी कोई सडन फीलिंग या फिर माइंड का कोई इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए। और ये हमेशा इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जो कि मैंने वहां पर ब्रैकेट में बनाया है। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। पहले सपोज कोई मैच जीत कर आया तो हम उससे कहते हैं, वो कहे कि हम जीत गए, तो हम कहेंगे अरे वाह तुम जीत गए। या फिर कोई उदास है तो हम कहेंगे अरे ये तो बड़े दुख की बात है। तो ये जो बात हम कहते हैं ये इमोशंस के साथ कहते हैं। ये चीज हमारे लिए हिंदी में बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर बात इंग्लिश में बोलने की है वहां हमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही इमोशंस के बारे में जानेंगे कि हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन कहते हैं। पहला जो इमोशन है वो है जॉय या फिर हैप्पीनेस। अगर हमें कोई खुशी जाहिर करनी है अपने वर्ड्स में तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड हुर्रा, वी हैव वन। जैसे मान लीजिए कोई मैच जीत कर आया तो हम ये कहते हैं या वो लोग ये कहेंगे कि हुर्रा वी हैव वन। अब ये जो हम वर्ड बोलेंगे हुर्रा, इसको हम पूरे इमोशन के साथ बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सिंपली बोलेंगे हुर्रा वी हैव वन, इसमें एक बात नहीं आएगी समझ में। तो जितना इसको इमोशन से भर के बोलेंगे तभी इसमें सेंटेंस में जान आएगी। नेक्स्ट, ब्रावो यू हैव डन अ गुड जॉब। अभी से हम कब यूज करते हैं, जैसे किसी की तारीफ करने के लिए, किसी को हमें अप्रिशिएट करना है तो हम कह सकते हैं ब्रावो यू हैव डन अ गुड जॉब। नेक्स्ट, सरप्राइज। अगर कोई हैरानी हुई है हमें कोई बात सुनकर या जानकर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है वॉट इज दैट ट्रू। जैसे किसी ने आपको कोई ऐसी बात बताई जो जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल हो रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं वॉट इज दैट ट्रू, क्या ये सच है, इस तरह से। नेक्स्ट, यू हैव कम। अब इसको हम कैसे, किस सिचुएशन में बोलते हैं, जैसे कोई आ गया अनएक्सपेक्टेड था, हमें पता नहीं था कि वो आने वाला है और वो एकदम से हमारे सामने आ गया, तो हम कह सकते हैं यू हैव कम। तो यहाँ पर हम सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट इज ग्रीफ। ग्रीफ मतलब कोई उदासी शो करना। इसको यू एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलास शी इज नो मोर। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाती है तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं कि आखिरकार अलास शी इज नो मोर, वो अब बाकी नहीं है। वहां पर मैंने कुछ और इंटरजेक्शन लिखे हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमको पेन एक्सप्रेस करना है तो वहां पर जो हम इंटरजेक्शन यूज करेंगे वो होगा आउच। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो हम कहेंगे आउच आई गॉट हर्ट, कि मुझे चोट लग गई। नेक्स्ट, माइनर मिस्टेक के लिए, जैसे कोई छोटी मोटी हमसे गलती हो गई तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं ऊप्स। नेक्स्ट, बी क्वाइट। सपोज एक क्लासरूम है और वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं और शोर कर रहे हो, तो टीचर्स ज्यादातर अक्सर बोल ही देती हैं बी क्वाइट, कीप क्वाइट। तो इस तरह से हम इस इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट में है गो अवे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली कोई एनिमल जैसे कि डॉग हमारे सामने आ गया, तो हमारे मुंह से खुद वक्त निकलता है श, श, इस तरह से। तो जो शू है वो भी एक तरह का इंटरजेक्शन है। एक और चीज जो इंटरजेक्शन है, दे कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग हाउ विद एडजेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि हम इंटरजेक्शन और कैसे बना सकते हैं एडजेक्टिव्स के साथ हाउ यूज करके, उसे देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हाउ नाइस आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर। जैसे हमें किसी चीज की तारीफ करनी है और तो हम कह सकते हैं हाउ नाइस, तो नाइस यहाँ पर एडजेक्टिव है और हमने उसके साथ हाउ लगा दिया और यहाँ पर यह आया एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ नाइस आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर। और इसी तरह से अगर कोई दुख जाहिर करना है हम कह सकते हैं हाउ सैड आई नेवर एक्सपेक्टेड इट, कि कितनी दुख की बात है, मैंने कभी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव के साथ इंटरजेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर हमें कोई विश या फिर ब्लेसिंग देनी है किसी को तो वहां पर भी हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी को दुआ देते हैं कि तुम लंबी उम्र जियो, तो वहां पर मे यू लिव लॉन्ग
और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हुए आएगा और जो फीलिंग है वो हमारे बोलने में पता चलनी चाहिए। और एक और चीज, अगर हमारी कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, तो उसको भी हम इसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ मिलियनेयर, कि काश मैं एक मिलियनेयर होता। तो आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने जाने की इंटरजेक्शंस को हम किस तरह से अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और अपने कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स और इमोशंस। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।